हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि थर्ड आई एक्टिवेट होने के क्या क्या साइंस है। अब क्योंकि इन दिनों बहुत से लोग अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। तो वो कौन से साइंस है जिससे हमें पता चले कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। चक्रास के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, बेसिक वीडियोस बनाए हैं। उससे हमें उसमें मैंने ये मेंशन किया है कि किस तरह से हमें पता चले कि हमारा ये चक्र ब्लॉक है और किस तरह से हमें पता चले कि हमारा ये चक्र ओपन है। तो वो कौन से चीज़ें हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि हमारा ये चक्र ब्लॉक है या ओपन है, तो वो वीडियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं। बेसिक वीडियोज़ हैं वो सारे। तो पहला साइन ये है कि हम क्वेश्चन करने लग गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग गए हैं। हम डीपर चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियलिटी के ऊपर, वो डीप चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च करने लग गए हैं और डीप थिंकिंग करने लग गए हैं। अब इस पर मैं बोलना चाहूँगी कि ओवर थिंकिंग और डीप थिंकिंग में बहुत फ़र्क होता है। हम अक्सर जब अवेकनिंग में जाते हैं तो डीप थिंकिंग करते हैं। जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ही गलत चीज़ होती है। ओवर थिंकिंग मतलब आप किसी एक थॉट के ऊपर स्टक हो गए हो। हम किसी चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं या डीप थिंकिंग कर रहे हैं तो वो अलग ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, जैसे आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, ये सब डीप थिंकर्स है। तो डीप थिंकिंग करना गलत बात नहीं है, ये जीनियसेस का निशानी है कि आप डीप थिंकर हो। तो अक्सर जब हम अवेकनिंग से गुजरते हैं तो हम डीप रियलिटीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, डीप थिंकिंग करने लगते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जैसे बचपन से हमें जो बताया गया था वो सब झूठ था, और वो सारे बिलीव सिस्टम्स को हम फिर से क्वेश्चन करने लग गए हैं। अक्सर हमें जो टीवी में बताया जाता है, जो न्यूज़ में दिखाया जाता है, जो मीडिया हमें बताती है, वो बहुत सी चीज़ें फियर क्रिएट करती है हमारे अंदर। ये सब आधे से ज़्यादा तो कई बार वो मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को कि ये चीज़ें लोगों को पसंद आएगी, तो ये चीज़ें उन्हें उस तरह से दिखाया जाए। तो बहुत ये सब बहुत फियर बेस्ड हो गया है, जो नॉर्मली मीडिया जिस तरह से फंक्शन करती है। और एजुकेशन सिस्टम भी अगर आप देखो तो बहुत ही फियर बेस्ड है। यहाँ पर क्रिएटिविटी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया जाता है, बहुत प्रेशर डाला जाता है बच्चों को कि वो अच्छा ग्रेड्स लाए, और जज किया जाता है बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें जो बचपन से हमारे साथ हो रही है और जो हमें दिखाई गई है, जो हमें बताई गई है, जिस तरह से हमें मैनिपुलेट किया गया है, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम और रिसर्च करने लगते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचने लगते हैं, डीप थिंकिंग करने लगते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। कि मानो कि जैसे आंखों से इल्यूजन है जो हटते जा रहा है हमारा। तो ये सब जब थर्ड आई ओपन होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है, तो ये सारा आप के अंदर क्वेश्चंस आने लगते हैं, सारे बिलीफ सिस्टम्स को आप क्वेश्चन करने लगते हो। एक रियलिटी चेक हो जाता है कि किस तरह से ये रियलिटी है। नेक्स्ट है कि आप सबके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करने लगते हो। आपको सबके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शननेस आता है कि कोई भी सेपरेटेड नहीं है हमसे। हम अक्सर लॉ ऑफ सेपरेशन में जी रहे हैं अब हम। तो जब थर्ड आई एक्टिवेट होता है तो हम सब लोगों को अपने जैसा ही मानते हैं, एक ही मानते हैं हम। हमें लगता है कि वी ऑल आर वन। तो ये भी एक साइन है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। जितने भी लिविंग बीइंग्स है धरती पर, वो सब एक ही सोर्स से निकले हैं। उन सबके लिए आपको एक कनेक्शन रहता है, उन सबके लिए रिस्पेक्ट रहता है, उन सबके लिए लव रहता है। जब थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है तो आपका, हम अक्सर लॉ ऑफ सेपरेशन में जी रहे हैं। बचपन से हमें यह बताया जाता है कि इसका कास्ट अलग है, इसकी लैंग्वेज अलग है, इसका एथनीसिटी अलग है। हमें हमेशा लॉ ऑफ सेपरेशन में रखा जाता है। जिनका थर्ड आई ब्लॉक होता है वो लोग बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, उनका नेगेटिव ईगो बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसे ही थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाता है, हमारा ईगो कम होता है और एक रिस्पेक्ट रहता है सबके लिए, एक लव रहता है सबके लिए।
तो वो जो सेपरेशन है, ये ईगो ही है, हमें दूसरों को हमसे सेपरेट कर रहा है, तो हम अपने आप को सेपरेट नहीं समझ रहे हैं, दूसरों को सेपरेट नहीं समझते हैं, ये ईगो हमारा मेल्ट होने लगता है जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। डाइट में अगर आप चेंजेस कर रहे हो, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर चल रहे हो, न जाने कितने एनिमल्स किल होते हैं हर साल, तो अगर आपको वो एक कनेक्शननेस लग रहा है हर एक लिविंग बींग के लिए, तो आपको एक ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे ही थर्ड आई एक्टिवेट होना चालू हो जाता है, बहुत से लोग प्लांट बेस्ड डाइट, वीगन डाइट्स, वेजिटेरियन लाइफस्टाइल ले लेते हैं, तो नेचुरली उनको या तो फूड उनके टॉलरेट नहीं हो रहे हैं, या तो उनको एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स और फूड पसंद ही नहीं आते हैं। जैसे जैसे उनका थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाता है, तो ये भी एक मेजर साइन है। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाने लग गए हो और अपने डाइट में चेंजेस करने लग गए हो, तो इसका ये मतलब है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट डे आप बहुत ही सेंसिटिव हो गए हो एनर्जीज को लेकर। हम अक्सर फिजिकल चीज़ों पर ही ध्यान देते आए हैं शुरू से, और अब भी बहुत से लोग हैं जो ब्यूटी को, फिजिकल अपीयरेंसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं 3D में। तो जैसे हम हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाता है, हम एनर्जीज को फील करना चालू करते हैं। हम वाइब्रेशंस और एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज पर ध्यान देना चालू करते हैं। हमें दूर से ही पता चल जाता है कि इस इंसान का एनर्जी कैसा है, और क्या ये इंसान हमारे लिए एनर्जी अपलिफ्ट कर रहा है या एनर्जी ड्रेन कर रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि मैंने तो ये लाइफ में अपने बहुत नोटिस किया है, मुझे अक्सर पता चल जाता है किसका कैसा एनर्जी है। नेक्स्ट डे हम बहुत ही टिंगलिंग सेंसेशन होती है, अगर फिजिकल में देखें, फिजिकल सिम्टम्स की ओर देखें तो बहुत सारी टिंगलिंग सेंसेशंस होती है। हम वाइब्रेशंस महसूस करते हैं थर्ड आई एरिया में, तो इससे भी ये पता चलता है कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट डे आपको विजन्स दिखने लग गए हैं, जैसे जैसे आपको थर्ड आई आपका एक्टिवेट होता है, या मेडिटेशन करते वक्त, या किसी भी तरह आपको विजन्स दिखना चालू हो गए हैं। थर्ड आई का मोस्टली कलर इंडिगो होता है, तो या तो आपको इंडिगो कलर के लाइट्स दिख रहे हैं, या ब्लू लाइट, गोल्डन लाइट लाइट्स दिख रहे हैं। ये सब साइन है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तब आपको विजन्स दिख रहे हैं, या किसी भी तरह आपको विजन्स दिखना चालू हो गए हैं। कई बार लोगों को मेडिटेशन करते हुए विजन्स दिखते हैं, और लोगों के ऑरास दिखते हैं, हमारे आसपास ऑरास होते हैं, वो डिफरेंट कलर्स के ऑरास होते हैं हमारे आसपास। तो कई बार अगर आपको ऑरास लोगों के दिखना चालू हो गए हैं, तो इसका भी ये साइन है कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। नेक्स्ट डे आप साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप कर रहे हो, या तो जैसे मैंने कहा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सेंसिटिव हो गए हो चीज़ों के लिए, या लूसिड ड्रीमिंग, या एस्ट्रल प्रोजेक्शंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, या कुछ ना कुछ साइकिक एबिलिटीज आप में आ रहे हैं। ये सब साइन है कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। अक्सर जो क्लेयर होते हैं, क्लेयर वॉयंस होता है, क्लेयर ऑडियंस होता है, ये सारे जो क्लेयर है, जो हमारे सटल सेंसेस होते हैं, वो सब चीज़ें देखना, वो सब चीज़ें सुनना, जो नॉर्मल हमारी फिजिकल आँखों से हम नहीं देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना, वो सारे बहुत सारे एंजल्स देख सकते हैं, और फिजिकल एंटिटीज़ को हम देखते हैं, या मेडिटेशन करते वक्त देखते हैं, या हम रियलिटी में लोगों को ड्रीम्स में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये सब साइंस है कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। जब हम हाईली क्लेयर्ड हो जाते हैं, हम सटल सेंसेस को एक्सपीरियंस करना चालू कर लेते हैं, सटल चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चालू कर लेते हैं, जो बेसिकली हमारा जो लोअर चक्रास है, तीन चक्रास, वो फिजिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे हायस्ट चक्रास है, फिजिकल रियलिटी से ऊपर की चीज़ें हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी रियलिटी से ऊपर है, वो सारी चीज़ें, वो सारे इंटर डायमेंशनल चीज़ें, वो सब एक्सपीरियंस होने लगते हैं। जब मेरा थर्ड आई एक्टिवेट हुआ था, तो मुझे क्लियर ऑडियंस महसूस होने लग गया था। जब मैं चैनल करने लग गई थी लाइट लैंग्वेज,
और लाइट कोड्स जो होते हैं वो रिसीव होने लग गए थे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि लाइट लैंग्वेज जो होता है, इससे हमारे DNA एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, तो वो सारे लाइट कोड्स रिसीव होने लग गए थे साउंड के थ्रू। तो जैसे ही हमारा थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, ये सारे क्लियर क्वालिटीज़ आ जाते हैं, हमारे जो सटल सेंसेस है वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये थे साइंस, इससे ये पता चलता है कि हमारा थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। आप लोग भी देख सकते हो, अगर आप इसी तरह के कोई साइंस और सिम्टम्स महसूस कर रहे हो अपने लाइफ में, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, नमस्ते।